दोस्ती का, हमारी इज्जत का, हमारी गृहस्थी का, जिंदाबाद पूजी फ्रेंड, जिंदाबाद असेंबली की 24 हम अपना हक मांगते हैं, असेंबली की 24 हमारी इज्जत का, हमारी गृहस्थी का, भारत माता की, पूजी फ्रेंड, जिंदाबाद पीओ जेकर पूजी फ्रेंड, जिंदाबाद अबा का, हमारी गृहस्थी का, 3 लाख जुगवीर सिंह चिर प्रेजिडेंट पीओ जे के डीपी फ्रेंड कैंप पावर नानक 1971। आज हम अपना प्रोटेस्ट कर रहे हैं क्योंकि हमारी जो लॉन्ग पेंडिंग डिमांड्स हैं वो हमारी गवर्नमेंट अभी पूरी तरह से सुन नहीं रही है, तो उसके उपलक्ष्य में हमने ये आज कार्रवाई की है। लेकिन मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि इस महीने की 22 तारीख को हमारी एक मीटिंग चीफ सेक्रेटरी साहब ने ली है, उसमें तमाम डीपीज को बुलाया गया था, हर डीपीज की उन्होंने प्रॉब्लम सुनी, जो हमारी कमियाँ हैं वो उसके बारे में हमने उनको बताया और उन्होंने तसल्ली दी कि हम इसको आगे सेंट्रल गवर्नमेंट को अप्रोच करेंगे, बताएंगे कि डीपीज की ये प्रॉब्लम है। तो मोटे तौर पर मैं ये कहना चाहता हूँ वो प्रॉब्लम क्या थी। सबसे पहले वो थी कि जो फाइलें अभी लटकी हुई हैं, जहाँ तहसीलदारों के ऑफिस में पड़ी हुई हैं, जहाँ डीसी के ऑफिस पड़ी हैं, उनको पूरी तरह से कंप्लीट किया जाए। नंबर दो, जो पैसा बैलेंस रह गया है 24.5 लाख, वो उसको रिलीज किया जाए। नंबर तीन, वो लोग जिनके पास ज़मीन नहीं है उनको ज़मीन दी जाए। नंबर चार, हमें भी पहाड़ी लोगों की तरह जैसे उन्होंने बकरवाल गुजर को स्टेटस दिया है, क्योंकि हमारा भी इलाका पहाड़ी था, हमें छोड़ दिया गया है या तो उसमें शामिल करते, लेकिन उन्होंने नहीं किया है, जिस वजह से हमने उनसे डिमांड की है हमें भी वो एससी का या पहाड़ी स्टेटस दिया जाए। अगली बात यह है कि हम इनको कह रहे हैं कि हमें हमारे बच्चों को रिजर्वेशन दो, अभी वो रिजर्वेशन इन्होंने नहीं दी है। चौथा, खासकर नान कैंप के बारे में एक बहुत बड़ी बात है, आज 54 साल हो गया हमें अपना ज़मीन मकान छोड़े हुए, जहाँ से हम डिस्प्लेस हुए थे, और उसके बारे में भी हमने बोला है कि इतने साल का हमारी ज़मीन का मुआवजा हमें दिया जाए, तो वो भी उन्होंने सुन लिया है। आगे और कुछ दूसरे ग्रुपों ने बताई है ये प्रॉब्लम, अभी हमारी गवर्नमेंट हमारा ज़रूर कुछ करेगी, और मैं इन्हीं शब्दों के ऊपर हमें खुशी भी है, और मैं सभी बरादरी जनता को संदेश देना चाहता हूं कि आप अपनी कार्रवाई करिए, आते रहिए और गवर्नमेंट को जगाते रहिए, इसमें सबका बड़ा है। जय हिंद।